फ्रेंड्स, लाइव प्रोग्राम में क्या आपके माइक्रोफोन में करंट आता है, वो क्यों आता है होटो पर सिंगर के, तो इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते तो ये वीडियो खास आपके लिए है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता रहा हूँ आपके माइक्रोफोन में करंट आता है, उस करंट को आप किस तरह से दूर कर सकेंगे, तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। छोटा सा वीडियो, पूरा देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से आपके माइक्रोफोन में जो करंट आता है और सिंगर जो दूर से माइक जी पकड़ता है और उसको करंट जैसा महसूस होता है, तो इसके लिए आपको जो ध्यान रखना है, अपने जो एम्पलीफायर और साउंड सिस्टम जो पूरा सेट करते हैं उसे आपको बिल्कुल ज़मीन पर नहीं रखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, आपको यानी उसे नीचे या तो लकड़ी के पाटिए पर रखें जो धरती से टच ना हो, और या आप एक प्लास्टिक बिछा लें अपने एम्पलीफायर के नीचे। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, जैसे ये एम्पलीफायर लगे हुए हैं तो यहाँ नीचे आप प्लास्टिक बिछा लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपने पूरा सिस्टम जहाँ आप लगाते हैं वहाँ नीचे लकड़ी का पाटिया लगा लें और वो ध्यान रखें ज़मीन से टच ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। यानी उसे नीचे से अर्थ नहीं मिलना चाहिए, इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। और जहाँ आप साउंड सिस्टम लगाते हैं वहाँ नीचे आप प्लास्टिक बिछा लेंगे या लकड़ी का पाटिया लगा लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और सूखी जगह में आप अपने साउंड सिस्टम को लगाएंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और नेक्स्ट जो दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना, अगर वो चीज़ भी आप ध्यान रख लेते हो तो आपको काफ़ी सुविधा हो जाएगी। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे माइक्रोफोन है, तो जो ही आपके होठों पर टच होता है सिंगर के या उसमें हाथ में माइक पकड़ता है तो उसको ज़ोरदार झटका लगता है और वो माइक को रुमाल से पकड़ता है या माइक के आगे रुमाल को लगाता है, जिससे वो बोलते वक्त उसे करंट नहीं लगे होठों पर। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल दूर कर पाएंगे, जैसा मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, अपने साउंड सिस्टम के नीचे आप प्लास्टिक लगा लेंगे। और दूसरा आपको जो ध्यान रखना है, अपने जो एम्पलीफायर लगाए हुए हैं उसमें बैक में आपको एक अर्थ करने के लिए एक सॉकेट मिलता है, जिस तरह से यहाँ पर आपको एम्पलीफायर के कनेक्शन करके टेप लगा लेते हैं, ये टेपिंग भी आपको वायर ध्यान रखना है सही तरीके से लगानी है। और उसके बाद जो इसके जस्ट पास में आपको एक अर्थिंग के लिए एक पॉइंट मिलता है, जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको, तो इसमें आप अपने एक वायर को लगा कर, जो आपके पास वायरिंग का वायर है उसे आप लगा कर आप अपने एक अर्थिंग बनाएंगे लोकल, जो आप एक किला ठोक कर धरती में वहाँ से आप इसे अर्थिंग दे सकते हैं और काफ़ी आसानी से आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। और जो आपने वोल्टेज करेक्टर स्टेबलाइजर लगा रखा है जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, उसमें भी आप एक तार लगा कर अपने ज़मीन में गाड़ देंगे और उसे आप अर्थ कर लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपको ये प्रॉब्लम जो आ रही है वो ज़रूर दूर हो जाएगी और आपका प्रोग्राम निर्विघ्न संपन्न होगा। धन्यवाद।